पूरी मशक्कत के बाद हम लोग हैं परकाचित ग्लेशियर पे। तो यार रात हो रही है और हम यहाँ पे रुके हुए हैं, कुछ नहीं दिख रहा। वहाँ पर भी बाइक खड़ी है, ये है सोलो वैली का हाल। आई निकलते निकलते बारिश हो रही है, ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, तो अब तो प्लान यही कर रहे हैं कि वापस जाएंगे। ये हाल हो रखा है हमारे साथियों का। मौसम तो कुछ नहीं पता क्या खुलेगा। तो दोस्तों ये नज़ारा देखिए, बहुत प्यारा लोकेशन है यार। और ये लोकेशन मिली है अपने को बारिश में फंसने के बाद। ऐसे ही वॉक करते करते अपन यहाँ पे आ गए। और मौसम का तो कोई भरोसा नहीं, निकलते हैं। रामधुम के पास ही इस गांव में रुके थे, कुछ खाने की जगह भी नहीं मिली थी। अच्छा, एक छोटी सी जगह पे रुके हमने, चाय वगैरह पी। वो खड़ी अपनी गाड़ियाँ बारिश में भीगती हुई, तो बंद हो गई है। तो यार प्लान तो यही था कि अपन रामधुम रुक जाएंगे और कल संस्कार वाली जाएंगे, बट यार वेदर फोरकास्ट गड़बड़ बता रहा है कि आगे के 3-4 दिन बारिश होने की चांस है। तो अगर बारिश की चांस रहेगी तो फिर रुकने का कोई सेंस नहीं है, अपन 4 दिन फंस जाएं। इससे बेटर ये है कि अपन सिर्फ ग्लेशियर देख के आएंगे और आगे चलेंगे। मौसम ने धोखा दे दिया और अपन बस कोशिश ये कर रहे हैं कि ग्लेशियर ही देख आते हैं कैसा है और फिर वापस। हल्की सी धूप तो आ रही है बट कोई भरोसा नहीं, आगे अच्छा खासा स्नोफॉल हो गया है, ये कुछ नहीं था। बट कोई बात नहीं, अनसर्टेनिटी को भी चेरिश करना चाहिए भाई। रेन कोट रेन कवर सब लाए किस लिए थे, इसीलिए तो लाए थे। वो आ रहे बादल फिर से, जेसीबी जा रही है। चलो यहाँ से वापस घुमाते हैं, वो तो पूरी रोड बह गई है। यहाँ पे तो बहुत रिस्क रहती है भाई। तो आज ग्लेशियर तो देखते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे रोड बह जाए, चाहे हम बह जाए या कोई और बह जाए, पर आज तो ग्लेशियर देख के रहेंगे। सुबह जब हम आए थे तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर के टिप्स पे थी बर्फ, और सबसे पीछे वाला जो पहाड़ है उस पे अब बारिश के बाद पूरे नीचे तक बर्फ आ गई है। वाह यार, ये अपनी पहली वाटर क्रॉसिंग डंकी। वाह यार, इतनी दूर से देख रहे हैं, देखो कितने पास आ गए। बहुत ही प्यारा वाटरफॉल, गोमा तंगोले अनंतिल्क रिवर टूरिज्म डिपार्टमेंट यूटिल दाक। ओह यार ये बहुत ही एपिक लग रहा है।
ग्लेशियर के पास आते ही ठंड बढ़ने लगेगी ना। दोस्तों ये ऐसी जगह है कि एवरी राइड बिकम द मोस्ट एपिक राइड ऑफ योर लाइफ। हम पहाड़ों के इतना पास है कि ऑलमोस्ट ये बादल तो ऐसे हैं कि अभी छू लें। हवाएं बढ़ती जा रही हैं, नाक जमने लगी है और हम ग्लेशियर के पास आते ही जा रहे हैं। ये छोटे छोटे लैंडस्लाइड के पत्थर भी पड़े हैं बीच बीच में। जहाँ जाओ वहाँ नज़ारे, बिल्कुल सर पे आ चुका है पहाड़। शायद जल्दी ग्लेशियर भी आने वाला होगा। पीछे जो अंकल जी मिले थे वो तो धोखा दे गए, 15 मिनट में आने वाला है। 15 मिनट का तो नहीं पता, बट 1 घंटा हो गया। दोस्तों नज़ारे लूट लो भाई, ठंड लग रही है तब भी, और एक कच्ची रोड और बगल में खाई भी लूट लो। अपने को वहाँ पीछे जाना है ग्लेशियर देखने, और आप देखिए कितना प्यारा ये है। बादल वापस सर पे आ गए हैं। ओहो तो फाइनली ग्लेशियर के पास अपन आ ही गए। सब कुछ देख लिया जिंदगी में, तो पूरी मशक्कत के बाद हम लोग हैं परकाचित ग्लेशियर पे। आप देख सकते हैं ठंड बढ़ चुकी है यार। तो दूसरे ग्लेशियर का प्लान कैंसिल, अपन नीचे परकाचित में चल के रुकेंगे। भाई बहुत ठंडा है बारिश की वजह से। हाँ और माहौल ख़राब हो गया है, अब टेम्परेचर एकदम से डिप करेगा। देखो ऐसे लैंडस्लाइड का पत्थर इतना बड़ा नीचे आ जाता है। आज तो बहुत क्रेजी हो गया। परकाचित ग्लेशियर, परकाचित एरिया में तो कुछ नहीं था। तो एक भैया हमें मिले, तो कोई अल्पाइन होम स्टे है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो वहीं पे स्टे करेंगे आज रात, कल वापस ले निकलेंगे। तो ये माहौल होता है रात में। तो अपन जा रहे हैं अल्पाइन हट। भाई रास्ता तो थोड़ा है टिपिकल, बट बस मिल जाए ऊपर और कोई टेंशन नहीं है। हाँ
उधर ही है। अभी तक ठीक है, चलो ला ला आ जाए। चलो ला रहे हैं। कहाँ से लाना है? आना है रास्ता बता। हाँ रास्ता बता देना। थैंक यू। तो भैया सर कैसा लग रहा है? ओ मिल गया, सरकार की तरफ से ही है टूरिस्ट बंगला पर का चिक। बाबू जी बचा ही लिया है यार आपने। ओ इतना कॉल आया, जब नहीं मिला तो मेरे घर पे आपको रुक जाओ, मैं लेने आता। हाँ सर लद्दाख की यही तो मिजाज है, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। एक्चुअली उन्हें पता है ना कि परेशान है, ऐसे लोकेशन पे अगर एक दूसरे की मदद नहीं करी। गर्मा गर्म चावल चावल तो ये है रूम। सुबह अंडा और ब्रेड।